उत्तर प्रदेश के हरदोई के कस्बा शाहबाद में किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। किसानों ने कृषि बिल के विरोध में सत्याग्रह का रास्ता अपना लिया है। इस दौरान किसानों ने कृषि बिल को काला कानून बताते हुए इसे किसान विरोधी बताया। वहीं किसानों ने चेताते हुए कहा कि कृषि बिल के निरस्त न होने पर वह सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने प्रांतीय आह्वान पर डॉक्टर अजीम ओशान की अध्यक्षता में सत्याग्रह किया और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने किसान विरोधी बिल को वापस लेने की राष्ट्रपति से मांग की है। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी जो बिल संसद में पेश किया गया है, वह किसानों के लिए काला कानून है। इसको वापस लेने के उद्देश्य से यह सत्याग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ वादों और जुमले की सरकार है। इस सरकार में ना बेटी सुरक्षित है और ना ही नौजवान, ना ही रोजगार, ना ही किसान। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि अभी शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर यह बिल वापस नहीं लिया जाता है तो आगे चलकर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम किसानों की लड़ाई लड़ने को हर तरीके से तैयार हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अजीम, मान सिंह, गुलजार अहमद, शशिकांत तिवारी, निकेश आदि मौजूद रहे। आज हम लोग क्रांति आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ जो तीन काले कानून पास किए गए हैं, उसके विरोध में आज हम लोग ब्लॉक मुख्यालय पर सत्याग्रह कर रहे हैं। और सत्याग्रह इसके बाद हमको एक राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भी जाना है। आज आप देख रहे हैं कि किसान परेशान है, लॉकडाउन के कारण 3-8 महीने से परेशान रहा। आज मोदी सरकार किसानों के खिलाफ ये षड्यंत्र करके ये काला कानून ला रही है। इसको वापस लेने की हम लोग मांग कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ वादों और जुमलों की सरकार बची है। इस सरकार में ना बेटी सुरक्षित है, ना ही नौजवान सुरक्षित हैं, ना रोजगार है और ना ही किसान। हम ये मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि मोदी सरकार जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस ले, अन्यथा हम लोग आज सांकेतिक रूप से सत्याग्रह कर रहे हैं, कल हम लोग सड़कों पर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। पहले आज 2 अक्टूबर है, हमने महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, देश के प्रधानमंत्री थे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हाथरस की घटना की ओर हम चलते हैं। बड़ा जघन्य ये अपराध हुआ है, क्योंकि इतनी घिनौनी हरकत मैंने कि आज तक इतिहास में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा। क्योंकि अभी जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कह रहे थे कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा वो कहाँ गया है? आप कहते थे कि चौकीदार हूँ मैं, तो आपकी चौकीदारी कहाँ गई है मुझे ये बताइए। लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं कि उसके साथ ऐसा रैक हुआ ही नहीं है, और जो मरने से पहले उसने जो बयान दिए हैं, क्या उसको वो झूठ माना साबित करेंगे? बिल्कुल नहीं साबित करेंगे। ऐसे घिनौने काले कानून को ये वापस लीजिए, यहाँ तानाशाही आपकी नहीं चलेगी। अब ये बताइए, महिला सुरक्षित नहीं है? आप यहाँ बेरोजगार महामारी हुई है, महामारी के जैत में सारे के सारे सब त्रस्त हुए हैं, किसान त्रस्त है। ये बताइए, जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ जाएगी? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ योगी सरकार से, ऐसी तानाशाही से आप राज करिएगा तो व्यक्ति जो कोई भी जनता भी है अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? ये महिलाएं क्यों नहीं सुरक्षित हैं? अभी हाल ही में अभी उसकी राख सूखने भी नहीं पाई थी, अभी बलरामपुर में एक लड़की 18 साल की जो थी, उसके साथ भी उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई हैं, उसको जहर के इंजेक्शन दिए गए हैं और उसकी मौत हो गई है उसकी। इन महिलाओं, इन बेटियों का जिम्मेदार कौन है? तो भाई शर्म क्यों नहीं आती है योगी जी? आपको अगर शर्म नहीं आती है, आप ये छोड़ दीजिए, आप किसी मठ में जाइए, वहाँ के ऊपर राम नाम जपिए जा करके। ऐसे मंदिर बनाने से क्या फायदा है जहाँ सीता सुरक्षित नहीं है? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।